ये जहर मेरी जिंदगी की जरूरत बन चुका है। तो अगर ये लड़की उसको पसंद ही नहीं करती तो शानी छोड़ क्यों नहीं देता उसे? शानी बेबस है मॉम, और किसी को मोहब्बत से रुकना नामुमकिन है, मैं जानती हूं। कुछ बिल्कुल डिफरेंट सोचा हुआ था हमारे प्लान्स। क्या? फॉरगेट इट प्लीज। बताएं मेरा एनजीओ चाहता है कि मैं उनका मलेशिया का ऑफिस एज चेयरपर्सन रन करूं। तुम्हारे डैड ने ये सोचा था कि तुम्हारी शादी के बाद यहाँ का बिजनेस तुम्हें हैंड ओवर कर देंगे और खुद वो दुबई सेटल हो जाएंगे। मुझसे किसी ने डिस्कस नहीं किया। तुम्हारा डैड सरप्राइज करना चाह रहा था तुम्हें। आप लोग मेरी वजह से अपने प्लान्स डिस्टर्ब मत करें। सिली, इकलौती बच्ची हो हमारी, सो जाओ, बहुत देर हो गई, ठंड भी इतनी है। सजीला को जानती है ना, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। वो सिर्फ मेरी कजन नहीं बल्कि मेरी मंगेतर भी है। मुझे आपकी मोहब्बत पर यकीन है। इसीलिए तो आपसे कहता था कि स्तोसी से भी बाज रहे, नहीं तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या हुआ अम्मी, क्यों उदास बैठी है? मुझे बहुत डर लग रहा है सजीला। किस बात से? तुम जो हिमाकत कर बैठी हो उससे। उपो ने कुछ कहा आपसे? वो कहती है आईने में अगर बाल आ जाए तो बात पहले जैसी नहीं रहती। इसका तो मैंने उनके बेटे को कितनी दफा माफ किए, मैंने तो कभी नहीं कहा कि आईने में बाल आ गए। तुम क्यों कहती? तुम्हारा आईना तो कभी साफ था ही नहीं, जो अगर बाल आ जाता तो उस पर फर्क पड़ता। तुमने कभी शानी की और उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं सजीला, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। अम्मी, जिन रिश्तों को संभालने के लिए फूंक फूंक के कदम रखना पड़े ना, उन रिश्तों से दूर ही रहना बेहतर है। हद किया करो तुम ऐसी बातें, तुम्हारी इन्हीं सोचों ने मुझे परेशान कर रखा है। ओए, यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारे लूडो के प्रोग्राम में क्या हुआ, बीच में रह गया? हाँ, मैं सोच रही थी कि तुम मुझे घर छोड़ाओ। क्यों, ये घर नहीं है क्या? तुम्हें ना बस डायलॉग बोलने का मौका चाहिए होता है। अम्मी घर पे अकेली हैं, सोच रही थी उनके पास चली जाऊं। अम्मी ने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए छोड़ा था, भूल गई हो शायद। नहीं छोड़ना, बता जुगनू से कह देती हूँ। अच्छा ना, छोड़ाता हूँ, ऐसे ही कह रहा था, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। उप्पो को अल्लाह हाफिज़ करके आ रही हूँ। क्या हुआ, कोई बात बुरी लगी अम्मी की? शानी, पप्पू को प्रॉब्लम क्या है? हाँ? वैसे मैंने एक बात नोट की है,
मेरे सामने तो अपने प्यार की बड़ी दुहाइयां देते रहते हो, हाँ? फूफो के सामने तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। वो जानती है सजीला। वो जानती है तो भूल क्यों गई है वो? कोई नहीं भूला यार, फजूल की बातें मत करो। शानी मैंने इतना बड़ा जुर्म भी नहीं कर लिया कि फूफो मुझे माफ नहीं कर सकती। तुमने कोई जुर्म नहीं किया है, ना छोटा ना बड़ा। लेकिन फूफो को लगता है कि मैंने जुर्म किया है, तुम्हारी अंगूठी वापस रखी। बल्कि जुर्म नहीं, उनकी नजर में मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। एक बात बताऊं, क्या था? शानी मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम मजाक के मूड में होती कब हो यार? ये कहाँ लेकर आए हो? चुप करके मेरे साथ आ जाओ, आओ। शानी मैं नहीं आ रही, देर हो जाएगी फिर पप्पू को गुस्सा आएगा। चलो ठीक है, बैठी रहो। शानी मैं यूं क्या यूं आया, बस बैठी रहो। कहाँ गए थे? मैं क्यों बताऊँ? जब कह रहा था कि साथ चलो, सब नखरे हो रहे थे। शानी क्या बचपना है? हाँ है बस बचपना। अल्लाह इतना गुस्सा। कुछ नहीं बताओ, घर सीधा ले चलो। क्या अंदर नहीं आओगे? अंदर आया तो तुम्हारे लिए वापस आने का कोई बहाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे बहाना करने की जरूरत नहीं है, उन्हें मेरी हर चीज का अंदाजा है। सुनो, कैसी लगी? तुम ये लेने गए थे? मैंने सोचा जिस जुर्म की वजह से तुम शर्मिंदा हो, एहसास सब खत्म हो जाना चाहिए। इस अंगूठी से? क्यों, मुझे तो अच्छी लगी। शुक्रिया। यही बात मुस्कुरा के भी की जा सकती थी। तुम यही बात मुस्कुरा के फूफो को बताओगे कि तुमने मुझे अंगूठी फिर से पहना दी है? तभी घर जाते ही।